आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग हमारी टीम यहाँ पहुँची तो वैसे ही बच्चा मिल गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जैसे ही पानी में सारे लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ही जैसे ही बच्चा मिला उसको लेकर। तो ये आप देख सकते हैं सामने में जो आपको गवर्नमेंट का सरकारी गाड़ी दिख रही है, इसी गाड़ी से आपको सदर अस्पताल लेकर गया गया है। एनडीआरएफ तो यहाँ सिवान में है ही नहीं है, एनडीआरएफ की टीम रहती है छपरा में। अब यहाँ से रिक्विजिशन सीओ साहब दिए एडीएम को, एडीएम साहब फिर वहाँ के लिए बोले हैं, तब दो तीन घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक उस दरमियान मिल ही गया है। इसके बाद इसके अंदर केमिकल्स डाला गया था, ये केमिकल डालने से ही तकरीबन 70% क्लीन हो गया है। इधर भी अगर आप भी अपने घरों का पानी का टंकी, सोफ़ा इसी तरीके से क्लीन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप जो सफाई एक्सप्रेस की जो टीम है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज के चैनल पर। आप सबका स्वागत है अलग अंदाज की टीम। अभी सिवान के बड़हरिया प्रखंड के माधोपुर के पश्चिम टोला में अभी हम लोग हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ देर पहले हम लोग को सूचना मिली कि एक बच्चा पोखरा में डूब गया है। जैसे ही हम लोग आए अभी कुछ देर पहले, ये आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग हमारी टीम यहाँ पहुँची तो वैसे ही बच्चा मिल गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जैसे ही पानी में सारे लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ही जैसे ही बच्चा मिला उसको लेकर जो टीम है, जो लोग हैं यहाँ के, अभी फौरन वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो प्रशासन भी आ गई थी और सारे गांव के आसपास के जितने सारे लोग हैं सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 घंटा पहले ये बच्चा डूबा था, अभी भी उसका हल्का हल्का सांस चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं सामने में जो आपको गवर्नमेंट का सरकारी गाड़ी दिख रही है, इसी गाड़ी से आपको सदर अस्पताल लेकर गया गया है। स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह का क्या था, कि ये किस तरह का ये पोखरा है, कितना गड्ढा है ये और कितने बच्चे नहा रहे थे। बाद में आए हैं, 12:30 करीब आए हैं। 12:30 किनका बच्चा था ये? ये जो है पश्चिम टोला के जलील मियाँ हैं, उनका पोता है। और मतलब 9-10 साल का बच्चा है, उसके साथ 2-3 और बच्चे थे नहाने आए जी। तो फिर वो जो है बच्चा सब भी जो है अपने से कोशिश किया है सब, ना मिलने के बाद जो है खुद बच्चा रोते हुए जा करके बोला है सब बड़े लोगों से कैसे ऐसे बात है। फिर जो है लोग आ करके मैंने अपने से पहले कोशिश किया है कि मिल जाए, नहीं मिला है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे उसके साथ ही सब, वो सब कोशिश किया सबके मिल जाए, नहीं मिलने के बाद वो जा करके रोते हुए बोला है बड़े लोगों से कैसे ऐसी बात है। अभी देखिए वीडियो में आपको दिख रहा है कि यही पानी के अंदर थे, बच्चा जो है इन्हीं को मिला था। और देखिए किस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा होगा किस तरीके से आनन फानन में उसको निकाला गया, निकाल के और जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी उससे उसको सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। तौकीर भाई, कैसे आपको पता चला कि बच्चा डूब गया? हम लोग चारों तरफ चेक कर रहे हैं लेकिन उसका बॉडी इधर साइड में पड़ा हुआ था, साइड में ही पड़ा था। आप लोगों को कैसे पता चला? छोटा बच्चा बैठे हुए थे सारे, तो औरतें जो है आ रही हुई थी दौड़ करके, तो हम लोग पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों का घर माधोपुर है, तो बोला लोग बच्चा डूब गया है। तब मेरे भाई हम लोग दोनों लोग साथ में आए है ना, तो इनको तैरना आता है, ये फौरन जो है इसमें मतलब कूद पड़े। इसके अलावा और लोग भी जो है बहुत से नौजवान लोग भी जो है कोशिश कर रहे थे है ना, तकरीबन 20-25 की तादाद में है ना, काफ़ी देर लग गया, लगभग 2 घंटा लग गया। उसके बाद जो है जा करके बच्चा का शव जो है बरामद हुआ। तो अब आप कितने देर पहले कूदे थे? दो घंटा हो गया। दो घंटा से कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं अभी जगह मिला। पूरे में आप लोग ढूंढ रहे थे? हाँ, उसी के आसपास पूरे एरिया में घूमने, हम लोग पूरा एरिया में ढूंढे हैं। जी जी। लेकिन पास में ही था जी, ज्यादा अंदर भी नहीं गया नहीं। तो ये किनका पोखरा है? ये ऐसे सरकारी है, सरकारी पोखरा है। कितना गहरा है ये? बहुत गहरा है। हम अभी खोजे थे। हाँ, यही निकाले हैं। सांस नहीं चलेगी तसल्ली के लिए लोग जी। एनडीआरएफ की टीम आई थी समय से? नहीं, फोन किए थे आप लोग? फोन किया था और लोग, हम नहीं किए थे, तो अंदर थे बाहर लोग फोन किया था जी। प्रशासन से आई थी जी जी, एनडीआरएफ की टीम नहीं आई थी? सुने कि छपरा गई थी एनडीआरएफ की टीम, पता नहीं हम लोग, पता नहीं, लेकिन आया नहीं थे, नहीं आई थी। इन्फॉर्म किया गया जी, इन्फॉर्म हुआ था लेकिन आया नहीं लोग। ठीक। क्षेत्र संख्या 18 के जिला पार्षद सोनू सिराज जी भी है। हमको भी 1 घंटा पहले जानकारी हुई कि एक बच्चा जो है उसमें डूब गया है, काफ़ी खोजने के बाद अभी बॉडी मिली है, हमको लगता है कि डेथ कर गया है। अब उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें लगा जाएगा। आप कब आए थे यहाँ पे? मुश्किल से हमको लगता है 1.5 घंटा हो गया है।
एनडीआरएफ टीम में कौन-कौन? नहीं, एनडीआरएफ तो यहाँ सिवान में है ये नहीं है, एनडीआरएफ की टीम रहती है छपरा में। अब यहाँ से रिक्विजिशन सीओ साहब दिए एडीएम को, एडीएम साहब फिर वहाँ के लिए बोले हैं, तब दो तीन घंटा तो लग ही जाएगा, तब तक उस दरमियान मिल ही गया है। अधिकारी साहब ने बात किया है? हाँ, सीओ साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब कहे कि हम आप भेजिए चिट्ठी, हम करवा देते हैं। तो इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, आने में आग हो या पानी? हाँ बिल्कुल। अरे आपको क्या कहिएगा, सिवान में वो जो पानी के लिए मशीन तक नहीं है, वो भी बाहर से मंगाया जाता है, बहुत सारी दिक्कत है। अब इस पर सरकार किसी तरह चल रही है, लोग चला रहे हैं, बाकी कोई व्यवस्था के नाम पे कुछ है नहीं। आप ही के क्षेत्र का है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ इसमें बच्चे आके तैरते रहते हैं? नहाते नहीं, तैरते नहीं नहाते हैं, अब तो पानी ज़्यादा हो गया है, यहाँ छठ घाट वगैरह है और काफ़ी गहरा भी है, और हमको लगता है कि अब 8-9 साल का बच्चा अगर 5 फुट भी पानी रहेगा तो उसके बस का नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी पानी है इसमें, हमको लगता है 10-12 फुट पानी। सरकारी पोखरा है? सरकारी, सरकारी पोखरा है, सरकारी पोखरा है। लड़का डूब उनका बा बाजू चारू को बचा देलहुँ सन, नहा देलहुँ सन, आ चारू एक हम जो लिखे अब कहीं दिन भेल थी धा देलहुँ सब अल्लाह जान दल। 8-9 साल तक रहल, 1 घंटा सवा 1.5 घंटा मानो 1 घंटा, अरे हमी के तो जाते बढ़ी आज जकरा मौका डूब गए बाबू हमारे कहाँ गए कहाँ ना देखल तीन बाबू देखल मोहम्मद ऐसी नाम शेरू कहते नहीं सर जाकिर हुसैन, मोहम्मद जाकिर हुसैन दादा हैं जाकिर, मोहम्मद नजीर मियाँ जलील मियाँ, मोहम्मद जलील जलील मियाँ। घर कहाँ? घर है माधुपुर पश्चिम कला। बाप बाप।